ये चमचमाते हुए एन टी एच वैल्यू जिनकी प्राइस सिर्फ फोर डबल नाइन है इनके आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं तो चलिए है, शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे बार बार बीच में बोलना ना पड़े। ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से तो अमेजोन ने बहुत अच्छी पैकिंग करी अगर फ्लिपकार्ट वाले रहते तो वो थोड़ा सा देकर भेज देते लेकिन जो अमेजन की पैकिंग है भाई बहुत ही बढ़िया स्टोरी बॉक्सेस करके कुछ आया है ऐसा जो कि मेरे को पहली बार मिला है कुछ इस प्रकार का देखो हम इसकी अनरेपिंग करते तो देखो मैंने ऑलरेडी अनरेपिंग कर रखी थी लेकिन आपको बताने के लिए मैंने फिर से वैसा का वैसा इसको रख दिया था तो कुछ इस प्रकार से इसका अंदर निकला और ये क्या अरे भाई ये तो कचरा निकला है हमारा तो मोए मोए हो गया भाई यार मोए मोए नहीं हुआ भाई इसके अंदर मतलब ऐसी पैकेजिंग करके रखी ना तो उन्होंने बहुत घटिया क्वालिटी की पैकेजिंग करी थी जैसा आया था वैसा ही हिट रखा है मैंने ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने अलग से कुछ भी रख दिया था जैसा था वैसा ही था अभी उसके बाद फिर हमारा निकला था ए, -ए का ये वाला बॉक्स ठीक है कुछ इस प्रकार का जिसमें धूल लग रही है आप क्लियरली देख सकते हो इस पर धूल लगी हुई है यानी कि जो पुराना पड़ा हुआ मॉडल था वही उन्होंने अभी भेज दिया इसके ऊपर एच वन वन फाइव गेमिंग हेडसेट की ब्रांडिंग दे रखी है जो कि ऑरेंज और ब्लैक कलर में देखे जैसे कि मेरी सनराइजर्स हैदराबाद फेवरेट आईपीएल टीम है तो भाई बहुत ही मस्त कलर का बॉक्स लगा मुझे इसके ऊपर लिखे था कुछ फीचर जैसे कि इसका थ्री पॉइंट की केबल है इतने मीटर की केबल है सब कुछ फीचर लिखा था जो कि हमने आज तक पढ़े नहीं इसके बाद यहाँ पर पीछे भी लिखा हुआ था इतने डेसीबल का जो कि मैंने आज तक पढ़े नहीं क्योंकि हमें इसका कुछ काम ही नहीं और सबसे पहले मैं बात करूँ इसके फर्स्ट इंप्रेशन की तो देखो हम लोग गरीब आदमी हम चार सौ रुपए वाले हेडफोन ही अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए मैंने साढ़े चार सौ पांच सौ रुपए के हेडफोन मंगवाए मैं तो बहुत ही खुश था क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार गेमिंग हेडफोन मंगवाए थे तो मैंने इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखा तो भाई मुझे बहुत ही दिल में बहुत ज्यादा खुश मिल रही थी क्योंकि गरीब आदमी भाई पहली बार मंगवाता है खुद के पैसे से मंगवाता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है इसके बाद कुछ इस प्रकार का इसमें रखा हुआ है देखो एक व्हाइट बॉक्स के मतलब जो एक व्हाइट बनी रहती है बीच में से बो रखी रहती है और उसके बाद रखा जाता है ये मुझे लगता है मतलब इधर से उधर फोल्ड ना हो जाए इसलिए और शायद ये अनफोल्डिंग है इनको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं इन हेडफोन को लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई गेमिंग हेडफोन है कुछ इस प्रकार से ये ऐसा रखा जाता है ठीक है बस इतना ही इसके अंदर मिलता है ये जो बॉक्स है हमारा और इसके अंदर इतना ही मिलता है और एक अच्छी केबल लंबी केबल मिल जाती है और इसके अंदर लास्ट वाली बात करूँ तो इसके अंदर मिलता है एच वन वन फाइव का हमको जो कि यूज़र मिलवल है जो कि हम कभी काम नहीं आता और फाइनली फर्स्ट टाइम मैंने टेबल पे रखा इसको तो बहुत ही मस्त फीलिंग आई थी और मैं इसकी माइक की बात करूँ तो इसका माइक बहुत अच्छा है और एडजस्टेबल एज, माइक है जो कि बहुत अच्छे नीचे तक चला जाता है बहुत नीचे तक जो अपने माइक का मूव कर देता है उसके वहाँ तक ही चला जाता है बिल्कुल अच्छा प्योर और एकदम नया जैसा लग रहा था उसके बाद करूँ तो अगर आप इसकी साइज को बड़ा छोटा करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है और अच्छी खासी साइज बड़ी हो जाती है ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बड़ा होता है हमें खुद को, को यूज करना पड़ता है इसको बड़ा करने के लिए और यहां तक मैं इसकी बात करूं तो इसको छोटा और बड़ा दोनों करना आसान है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये फीचर इसके बाद इधर साइड इसकी रेड कलर का ग्लासेस है ठीक ग्लास है ये ग्लासेस बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ है जिससे क्या रहेगा इसका जब ऑन करेंगे हम इसकी यूएस पिन लगाएंगे तो ये रेड कलर का आर इफेक्ट देगा अगर इसकी केबल की बात करें तो इसमें दो तरह की केबल मिलेगी एक तो आपको यूएस मिलेगा जो कि आपको आर जी बी के काम आएगा और उसके बाद एप थ्री पॉइंट का हेडफोन मिलेगा और यहीं पर इसी में आपको वॉल्यूम कंट्रोलर भी मिल जाएगा जिससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो और यहाँ पर आपको कोई भी माइक्रोफोन के लिए म्यूट करने के लिए या फिर अलग से आरजीबी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी बटन नहीं देखने को मिलेगी और इसकी आर की बात करूँ तो मैं आरजीबी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी आरजीबी में सिर्फ आर चलेगा जी जीबी नहीं रहेगा अंदर और बाहर तरीके से दोनों ही त, दोनों में ही इसकी रेड लाइट जलेगी और अंदर भी तरफ चलेगी और बाहर भी तरफ चलेगी अभी मैंने रात को इसको ट्राई नहीं किया है रात को अलग तरह की अलग फील देगा और अच्छी खासी आरजीबी देख सकते हो आप दिन में भी कितनी तेज उजाला दे रहा है और अगर मैं बात करूँ इसका अंदर के जो गादरूस रहते हैं तो वो गादरूस भी एक नॉर्मल एवरेज क्वालिटी के इतने अच्छे क्वालिटी के भी नहीं है कि जितने आप समझ रहे हो हज़ार बारह सौ मांगो देखो तो अपन गरीब आदमी है चार सौ रुपये के हिसाब से ठीक ठाक है माइक क्वालिटी भी ठीक है आरजीबी भी ठीक है अब मैं आपको इसकी माइक टेस्टिंग करा देता हूँ लेकिन मैं जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये भी मैं इसी माइक से कर रहा हूँ ये है मेरी वॉइस विदाउट हेडफोन माइक ठीक है अभी मेरा पंखा भी बंद है मैं मेरा पंखा भी बंद कर लेता हूँ ताकि पता चल सके कितना शोर होता है पंखा से ये मेरी आवाज़ आ रही है मेरा पंखा ऑन है अभी मैंने माइक लगा लिया और मैं उतनी ही तेज़ बोल रहा हूँ मैंने हेडफोन कनेक्ट कर लिए है और मैं उतनी ही तेज़ बोल रहा हूँ जितनी तेज़ मैं नॉर्मल बोल रहा था पिछली बार और अभी मेरा पंखा बंद है तो इससे नॉइस कैंसिलेशन का पता लग जाएगा कि आपको नॉइस कैंसिलेशन है या नहीं है तो अभी मेरा मैं फ़ैन भी ऑन कर लेता हूँ तो फाइनली अभी मेरा फ़ैन भी ऑन हो चुका है मतलब मैंने धीरे धीरे ऑन कर लिया फुल स्पीड में फ़ैन भी आ चुका है अभी आपको आवाज़ आपके हिसाब से देखना है कैसी आवाज़ आ रही थी पहले और अब क्या अंतर है अब और इसमें अभी ये तो हो गया इसका माइक टेस्ट और कैसा माइक आता है ठीक है अभी इसके बाद हम बात करते हैं हम इसका हेडफोन साउंड क्वालिटी कैसा है ठीक है हेडफोन साउंड यानी इसका आपको कैसा सुनाई देता है तो उसके लिए इसका माइक जो है वो भी आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं देगा अगर आपको लग रहा है कि माइक बिल्कुल आपके मुंह से चिपक के रहेगा तो ऐसा नहीं है माइक के थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी आपके गैप रहेगी आपके मुंह के और माइक के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहेगी कम से कम तीन इंच की गैप रहेगी और कुछ इस प्रकार का आर जी भी आपको इफेक्ट देगा ये मैंने दिन में लगाया हुआ है लेकिन अगर आप रात में लगाओगे तो और भी अच्छा इफेक्ट दे सकता है और अभी मैंने आपको लास्ट में साउंड टेस्ट करवाया था तो वो साउंड इससे भी अच्छा है मैंने जिस तरफ मेरे मोबाइल का माइक्रोफोन नहीं था उस तरफ मैंने इसका साउंड टेस्ट के टाइम पर उधर रख दिया था लेकिन मैं इसके साउंड की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छा है नहीं लगता कि आप फोर के फोन में गाना सुन रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो बहुत ही अच्छा है और डिले भी नहीं होता है गेम में तो मैंने देखा गेम में एक परसेंट का भी डिले आपको देखने को नहीं मिलता है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा डल नाइन के प्राइस में एक बहुत ही अच्छी चीज ऑफर चलते रहते तो आप इसको ऑफर में खरीदना जिसमें फोर डबल नाइन में, में पड़ जाएगा आपको और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना थैंक्स फॉर वॉचिंग